जो तुम्हारे सांसद लड़े होते हैं उसका बेटा गाड़ी चढ़ा करके किसानों को मार देता है, तो तुम कैसे बोलोगे इस बात को? हम विपक्ष में, अगर हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम विपक्ष के मुद्दों को जरूर और जिम्मेदारी के साथ उठाएं। सरकार ने कहा कि अब पेपर लीक नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूनम पंडित क्या जो आरएसएस हिंदू राष्ट्र की मांग करती है क्या आप उसके रास्ते पर चलेंगे? देखिए चाहते हैं, देखिए हम राष्ट्र बने, देखिए हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, सनातन हमारी सांस हमारी धड़कन है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, उसका वर्चस्व पैदा करना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और हमारा सबसे पहला धर्म है। देखिए देखिए आप हिंदू राष्ट्र करते रहिए, मैं सनातन धर्म और रामराज की जो है नियम चाहती हूँ और वही कानून चाहती हूँ। तो मतलब संविधान बदलना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं, किसने कहा संविधान बदलिए, किसने कहा कि आप धार्मिक नियम चाहते हैं? देखिए हर जगह किसने कहा मैंने तो नहीं कहा। आप फ्लैशबैक में जाइए, अरे राम के पदों पर पक्षों पर चलने लग जाओगे तो बलात्कार ही नहीं होंगे, राम के लोगों राम के नियतों पर चलने लग जाओगे, गरीबों को समझने लग जाओगे, गरीबों की आवाज उठाने लग जाओगे तो अपने आप ही सनातन धर्म का प्रचार होगा। ने जो जय हिंदू राष्ट्र कहा है, पूनम पंडित जय हिंदू राष्ट्र कहेगी? देखिए मैं हिंदू राष्ट्र हिंदू के उसको ज्यादा नहीं जानती हूँ, ना मैंने हिंदू को पढ़ा है, मैंने सनातन धर्म को पढ़ा है। मैं सनातन धर्म के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आप मेरे से, देखिए आप मुझसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कराएंगे या मुझसे बोलेंगे सनातन धर्म के विषय में तो मैं सनातन धर्म क्यों नहीं करना? क्या सनातन धर्म का प्रचार करना गलत है? देखिए संसद एक ऐसी व्यवस्था है, सदन एक ऐसी व्यवस्था है जो संविधान के नियमों से चलती है, तो वहां पर संविधान का पालन होना चाहिए। देखिए अब मैंने आपको क्या बोला, संविधान में नहीं है तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए भाई, संविधान के नियमों पर चलना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से, हम अपने हिसाब को मानने वाले कौन है? ये देश जो है संतों की भूमि है, धर्म का प्रचार संतों से होता है, सनातन धर्म का प्रचार संतों से होता है, लेकिन इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान से चलती है तो वो संविधान से चलनी चाहिए। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है ना, जो चीज संविधान से चलती है वो संविधान से चलेंगी और जो चीज संतों से, भारत सनातन संतों की भूमि है तो इसको आप नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संतों के बिना सनातन के बिना भारत की कल्पना ही नहीं है। अब मैं कहने लग जाऊं कि संविधान के बिना संसद की कल्पना आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही क्यों मैं नाम लूंगी, क्यों मैं लूंगी, आप बताइए। मैंने तो नहीं कहा नहीं है, मैंने आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे संविधान पे और सनातन पे चर्चा कर रहे हैं, आप मुझसे मुस्लिम धर्म पे चर्चा कीजिए मैं आपको जवाब दूंगी। आप चर्चा भी तो मुझसे दो ही चीज पे कर रहे हैं, देश की बात आप करेंगे तो उसमें सभी आता अब है। देश में संविधान में सब आता है, सभी आता है संविधान में, सब आता है संविधान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ नहीं आते, हिंदू नहीं नहीं सनातन, मैंने बोला आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, सनातन मुकम्मल, सनातन मुकम्मल नहीं होता संतों के बिना और संविधान के बिना देश मुकम्मल नहीं होता। तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम के सवाल करने हैं, करते रहिए, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। और रही बात चार धर्मों की, इस देश में जैन बौद्ध पारसी ये भी है, ये संविधान के दायरे में पूरे देश में जो संविधान के नियम कायदे मुझ पे लागू होते हैं वो सभी धर्मों पे होते हैं। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन तो कहा लेकिन जय भारत नहीं कहा। देख ये यही चीजें दुख वाली हो जाती है, अगर आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो क्या मैं बोलूं? अब बताइए आप, ओबीसी हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान के वोटरों का वोट लेते, क्या उनको जय भारत नहीं बोलना चाहिए था? आप सारे पत्रकार जितने देखिए, आप ये बताइए भारत बोलना चाहिए था नहीं? भारत जय भारत हमारे देश में तब से चला आ रहा है, तब से हमारे देश जो है आजाद भी नहीं हुआ था, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, शहीद आजम भगत सिंह, चाहे गनी गफ्फार, चाहे अंबेडकर, नेहरू, पटेल, चाहे कितने लोग हैं, तब से जय भारत चला आ रहा है, तो क्यों नहीं बोला उन्होंने जय भारत? बताइए संविधान के सांसद ने भी नहीं बोला। देखिए बिल्कुल मैं तो उनको भी गलत बोलूंगी, नहीं मैं तो उसको भी गलत बोलूंगी, मैं तो उसको भी गलत बोल रही हूँ भाई। आप भारत में रहते हो तो भारत की जय क्यों नहीं? दोनों ही सांसदों को बोलूंगी, दोनों ही जनता के वोट से बने हैं और दोनों ही भारत की जनता के वोट से बने हैं, आप अरे भारत की संसद में विदेशों को क्यों घुसेड़ते हो भाई? बताइए आप भारत की संसद में बैठे, भारत के मुद्दे उठाइए, भारत की जनता का मुद्दा उठाइए, इसका मतलब दोनों सांसदों का साफ है। मैं दोनों को क्लियर कर दूं, मैं आसिफुद्दीन ओवैसी जी का भी क्लियर कर देती हूं, मैं भाजपा के सांसद का भी, दोनों सांसदों ने जानबूझ करके अपनी सलाह मशवरा करके इस तरीके के मुद्दे उठाए ताकि संसद चले ही नहीं, ताकि संसद में जनता के मुद्दे उठे ही नहीं, ताकि संसद में भारत के मुद्दे उठे ही नहीं, इसलिए दोनों की मैं तो पहले से ही बोलती हूँ बी टीम है, आसिफुद्दीन ओवैसी जो है वो बी टीम है भाजपा की, तभी दोनों अपनी सांठगांठ से अपनी डपली अपना राग बजा रहे हैं ना
बताइए, मतलब कह रहे कि बीजेपी के साथ जुगलबंदी है। बिल्कुल जुगलबंदी है, तभी तो आपने संसद को, पहला संसद का सत्र था तो जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे, जनता की बात होनी चाहिए थी, और एक ने उठा दिया फिलिस्तीन का, दूसरे ने एक दूसरे उसका हिंदू का उठा दिया। आप इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि राष्ट्र शब्द आया कहां से था, ठीक है, किसको, ओवैसी को, ओवैसी को, भी, को भी नहीं, और ना ही भाजपा के सांसद को। पत्रकार हाँ, भी सीखते हैं, हाँ, पत्रकार सीखते हैं, तो सीखा उन पत्रकारों ने, उन पत्रकारों ने सीखा। बताइए आप सारे पत्रकार सामने हो, आप बोलेंगे भारत में रह करके फिलिस्तीन की जिंदाबाद बोलोगे आप? बताइए आप भारत का, आप भारत का नमक खाते हैं, इसका विरोध कीजिए, ये भारत का, हाँ, देश समर्थन करता फिलिस्तीन का, ठीक है, हम मजबूरियों में, हम सुनिए, सुनिए, हमारा देश जब ऊपर की नीतियों में समर्थन करता तो हम करते हैं, हमारा देश, देखिए हमारा, देखिए आपको हिंदू मुस्लिम से आपका चैनल चलता, आप करते रहिए, मैं आपको फुटेज नहीं लेने देने वाली। हाँ, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये हमारे देश के अपर का मामला है, जब फिलिस्तीन को जरूरत होती है भारत, भारत जा करके सपोर्ट करता है, तो आप बोले ना कि नियम का उल्लंघन हुआ है, बोलिए बैरिस्टर साहब ने नियम का उल्लंघन किया, बिल्कुल बोल रहा हूँ, हाँ, कहाँ बोल रहे हैं, देखिए संसद सदस्यता जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, मतलब राहुल गांधी अगर जनता के मुद्दे उठाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, असीबुद्दीन ओवैसी की नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, फिलिस्तीन को हमारा भारत शुरू से सपोर्ट करता है, जब कभी इंटरनेशनल मामला आता है तब करता है, आर्थिक स्थिति से उनको पहले से सपोर्ट करता है, मौखिक स्थिति से करता है, लेकिन भारत की संसद में भारत का मामला होना चाहिए, बताइए, बिल्कुल जानी चाहिए, दोनों की सदस्यता जानी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जो है सदन में डरे डरे से लग रहे हैं, आप जरा गौर कीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी को पहली बार तमाम मीडिया के चैनल बता सकते हैं, तमाम मीडिया के और भी कैमरे हैं यहाँ पर, सिर्फ आप ही का कैमरा नहीं है, समझ गए आप, और भी लोग हैं, आप अपने कैमरे वाले को, भैया को बोलिए इधर आएंगे वो, ठीक है, अब इतने सारे लोग हैं इस देश में, और आप सब मीडिया वाले, आप सब कवर करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कभी ऐसे देखा, नहीं देखा, उदास, क्योंकि हमने उदास नहीं किया, देखिए हमने उदास नहीं किया उनको, उनको उदास किया उनकी खराब नीतियों ने, उनको उदास किया उनके खराब प्रचार प्रसार ने, उनको उदास किया उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए टीवी पर उलूल जलूल बातें करते हैं, उनको उदास किया तमाम उन नेताओं ने जिन्होंने देश के किसानों को आतंकवादी बताया, उनको उदास किया जिन्होंने देश के किसानों को खालिस्तानी बताया, और जिन्होंने ये कहा बैठ करके कि 100-100 रुपए में ये महिलाएं बैठी हुई आंदोलन कर रही है, उनको उदास तो ऐसे लोगों ने किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मैडम, देखिए लटक लटक के बार भी फेल, जैसे कहते हैं ना लटक लटक के बार भी फेल, तो वो वाला काम है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं उनको, उनकी अच्छी उम्र की, लंबी उम्र की मैं कामना करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए मैं उम्मीद करती हूँ, राशन दे दिया, क्या चाहिए जनता को, राम मंदिर कोई इंसान दे सकता है क्या, सिर्फ उसको मॉडिफाई कराया जाता है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार का काम है, जिम्मेदारी होती है, कोर्ट का फैसला था जो पूरे देशवासियों ने माना, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने कोर्ट के नियम का सम्मान किया जो कोर्ट में फैसला है, और फिर पानी टपक रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अब बताइए 18 करोड़ की जमीन को मथुरा वृंदावन में इतनी जल्दी इन्होंने 18,000 करोड़ की बेचा था, और अब जिन बड़े बड़े आर्किटेक्टों ने बोला था कि हम जो है गारंटी देते हैं कि ये नहीं चूएगा राम मंदिर, 1,000 साल तक चलेगा, अरे भाई राम लला अब बारिश में पानी टपक रहा है, तुमने जो वो घोटाला भ्रष्टाचार टपक रहा है भाजपा का, और वहां के जो संत है वो इस बात को मीडिया में आकर के कह रहे हैं, और ये बड़ी बात, मैं उनको नमन करती हूँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ, इतनी तानाशाह सरकार के सामने होने के बावजूद वो अपने नियम से नहीं हटे, और उन्होंने आकर के मंदिर की जो एक्चुअल स्थिति है उसको जनता के सामने रखा, चंपत राय जी ने मोदी जी को अखिलेश यादव खिसा रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के उनको दिखा रहे हैं कि देखो हम अयोध्या से किसको जिता के लाए, तो क्या देखते हो? देखिए जितने भी हमारे तीर्थ स्थल थे उन सभी तीर्थ स्थलों में तमाम वो लोग जीते हैं जिन्होंने जनता के दुख को समझा, जिन्होंने जनता की तकलीफ को समझा, अब जनता ने इनको नहीं समझा क्योंकि इनके तकलीफ जो थी वो जितनी भी थी वो सिर्फ कुर्सी पे बैठने की थी, तमाम वादे इनके खोखले थे और उन खोखलों को
नाकाम किया। और सबसे बड़ी बात, जहां देश के प्रधानमंत्री पैर धर देते हैं, केदारनाथ में पैर रखा उन्होंने, तो भैया सारी चीजें जो सोने की हीरे जवाहरात की वो पीतल में तब्दील हो गई। जाकर के उद्घाटन करने महाशय जी गए, अपना पूरा का पूरा इवेंट उन्होंने बनाने का काम किया, तो जाकर के वो राम मंदिर भी अब टपट रहा। मैं नहीं कहती, संत चंपत राय जी कहते हैं चंपत, ये चमत्कार है। तो जो 400 सीटें तो ऐसे बोलते थे जैसे मिस्त्री बना के धर का गया, इधर से उधर रखनी हो, तो इस अहंकार को जनता ने तोड़ा। ये जाति और धर्म का जो कॉम्बिनेशन बना ना, जाति तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? संविधान को मानने वाले लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे उनकी फोटो लगती थी, और जो इस देश को आजाद कराने में तमाम लोगों को एकजुट करके जोड़ने में आज हम भी अगर आंदोलन करते हो, तुम भी आंदोलन करते हो, तो अहिंसा के साथ में उनके विचारों पर चलते हो। गांधी जी, इनकी दोनों की फोटो को क्यों हटाया गया बताइए? फोटो को कहां हटाया गया? तुम दूबर हो। नहीं नहीं, फोटो को हटाया गया। राम मंदिर में चंदा चौहान, संजय सिंह कह रहे हैं क्या? संजय सिंह कह रहे हैं बड़ा घोटाला हुआ है। बड़ा घोटाला तो हुआ है, जिस जो चंदा आया है उस चंदे का किसी को पता नहीं, जनता तक को नहीं पता कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा। और आप वहां के संतों को मीडिया से रूबरू न होने देते, और बेचारे एक आध हो जा मैं, फिर आप उन्हें ऐसे गायब कर दो जैसे क्या कह मैं google.com पे भी ढूंढते रहो कहीं ना मिलते। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हम लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने देश की नीतियों को खराब किया है, जिन्होंने देश को खराब किया है, जिन्होंने इस जनता को बांटा है, और उनमें से कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो ये बराबर में मेरे खड़े हैं। अरे मैडम, मोदी समर्थक एक मिनट एक बार सुनिए जी, मोदी समर्थक ये कह रहे हैं कि दाल रोटी खाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, हम राम राज के पक्ष में हैं, राम की नियतियों पर चलते हैं, राम के आदर्श को मानते हैं। आसान नहीं है राम बनना, मर्यादाओं को अपनाना पड़ता है, हर बेटी को बहन बेटी मानना पड़ता है, सिर्फ अपनी स्त्री को बीवी मानना पड़ता है। आसान नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना, तो हम उस, हम बनना। हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल कायदे की बात आपने कही, क्योंकि आसान नहीं है इतनी कट्टरता दिखाना, और आसान नहीं है इस देश की बेटियों को अपने ही राज्य में नंगा घुमाना और पीएम पद से एन वीरेन से इस्तीफा ना लेना, और आसान नहीं है इस देश में किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाना, आसान नहीं है इस देश में बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी विदेश से मेडल लाने वाली ओलंपिक में, उनके ऊपर अपने डंडे बजवाना अपनी पुलिस के, आसान नहीं है इस देश के गरीब मजदूर कोरोना काल में पैदल भटकना, आसान नहीं है कोरोना काल में आपने कोविशील्ड को, इतना दिन भी नहीं हुआ आपने उस वैक्सीन को जनता को लगवा करके 35 से 40 साल के नौजवान ब्लड के क्लॉट बन रहे हैं, आसान नहीं है। आपके पिता होंगे, मेरे पिता स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी आपके होंगे, आपके होंगे, आपके होंगे, आपके होंगे, मेरे पिता स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि 2000 करोड़ का मंदिर 200 दिन भी नहीं चल पाया। वही बात है ना भाई, अब ये इनका घोटाला है, ये घोटाला है, इस घोटाले की जांच कौन करेगा? जांच कमेटियां कौन बोले बैठेंगी? अब नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे राहुल गांधी, और आमने सामने की होगी टक्कर इस जनता के मुद्दों पर और इनके घोटालों पर। अब बड़ी हालत खराब है क्योंकि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए। 50 साल हो गए आपातकाल को, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब ऐसी समय नहीं आगे, कांग्रेस ने जो किया था वो तो नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, आज के दौर में सिर्फ देखिए, हम अपनी कमियों को स्वीकारते हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी ने इस चीज को स्वीकारा है, हम वो लोग हैं जो अपनी कमी को भी गलती मानते हैं और जनता जनादर के सामने सर झुका करके माफी मांगते हैं। राहुल गांधी जी ने भी इस चीज को स्वीकारा है, लेकिन फर्क इतना है उस समय की जो नेता इंदिरा गांधी थी वो बोल करके चीजों को उन्होंने किया, ठीक है, जो गलत था तो गलत था, गलतों को गलत माना जाए, समय स्थिति के आधार पे उन्होंने जो किया वो उनको पता होगा क्या सही था क्या गलत था। लेकिन आज की स्थिति में, आज की देखिए, मेरी नजर में सही वो है, सबसे पहले देश, देश के बाद में फिर अपना जो है धर्म है। देखिए बिल्कुल नहीं, हमारे नेता ने स्वीकारा कि गलतियां हुई है, क्या कितनी बार बोलूं आप बताइए। दूसरी बात, आज के दौर में अघोषित आपातकाल तो नहीं लगाया हमारी कांग्रेस पार्टी ने, मीडिया पे तंज तो नहीं कसा, ईडी सीबीआई को अपने कब्जे में तो नहीं लिया, पत्रकारों को जेल में तो नहीं ठूसा, सदन की सदस्यता तो रद्द नहीं की जनता के मुद्दे उठाने पर, सड़कों पे किसानों को तो नहीं रौंदा, दो बेटियों को नंगा तो नहीं घुमाया अपने राज्यों में, सरकार में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। 2014-12 का आपको रेप याद होगा, निर्भया कांड आप सभी को याद है ना, तभी ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, उसका इलाज कराने के लिए विदेश भेजा था उस बेटी को, ठीक, और उन लोगों पे चारों पे फांसी की सजा सुनाई गई थी जिनको फांसी हुई है,
सजा उसी टाइम पे हो गई थी कांग्रेस के टाइम पे, और उनको फांसी हुई है। ठीक, अब ये दौर था उस दौर का। और आज मनीषा वाल्मीकि के लिए आपने देखा होगा कि एम्स में बेड खाली नहीं है। अरे एक नेता को, भाजपा के तो छोड़िए, सत्ताधारी के किसी एक नेता को खांसी आ जाए, तुम पूरे के पूरे दिल्ली को खाली करा दो, और तुम पे एक बेटी के बलात्कार के लिए इलाज के लिए बेड खाली नहीं था। तो ये फर्क है कांग्रेस में और ये फर्क है भाजपा में। बायकॉट आप भी कर रहे हैं क्या अयोध्या वासियों का? मैं क्यों करूंगी भाई, मेरे देश की जनता। देखिए मैं किसी भी, भाजपा को हरा दिया। देखिए ये वो लोग हैं जो घर में ही जयचंद पड़े पले होते हैं, तो आप लोगों को देखिए। अरे बोलने दीजिए, अब जयचंद की बेटी को ले जाओगे तो कुछ करेंगे नहीं? अब जयचंद की बेटी को कोई ले जाएगा तो कुछ करेगा नहीं भाई, बाप होने के नाते बहुत कुछ करेगा। कुछ किया मोदी जी ने और हरा दिया। क्या किया मोदी जी ने? राम मंदिर में दिया हुआ। हाँ, वो जो सारा का सारा घोटाला हो रहा है उसका हिसाब दिया अयोध्या में? हम तो हिसाब मांग रहे हैं, हम तो घोटाले का हिसाब मांग रहे हैं। इतने पेपर जो है वो लीक हुए हैं उनका हिसाब मांग रहे हैं। आईटीबीपी में भर्तियां जो घोटाले किए जा रहे हैं उनका हिसाब मांग रहे हैं। बेटियों के बलात्कारों, कितने बलात्कारियों को आपने फांसी की सजा सुनाई? क्यों नहीं आप फांसी की सजा का एक वो रखते कि भी जो बलात्कार करेगा उसका फांसी हो, जिससे कि और भी लोग इस तरीके की चीज ना करें, छोटी से छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जावे। और महिला आरक्षण जिसको लेकर के आपने पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव ये लड़ा है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, सिर्फ आपने जुबानी बोला है, लागू कीजिए। और इसी उसमें हम महिला कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 2 दिन बाद।